अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार कार्यकर्ताओं ने डेरा डाला है। ये अपने भाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए आई है। पवित्र त्यौहार रक्षा बंधन का त्यौहार है, वो आने वाला है, लेकिन क्या भाई अपनी बहनों से मिलने नीलम पार चलकर स्वयं आएंगे? जो रिश्ते उन्होंने बनाए हैं क्या वो बराबर निभा पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बता रहा। इन तमाम प्रदेश की महिलाएं यहाँ उनसे मिलने आई है और लगातार प्रदर्शन कर रही है और अपनी जो बातें हैं वो अपने भाई तक पहुँचाना चाह रही है, लेकिन भाई अभी तक उसे मिलने नहीं आया। हम जानना चाहेंगे क्या उनकी मांगे। सभी वक्ता थोड़ा समय का ध्यान रखें, क्योंकि आपको पता है 6 संगठन है और सभी के साथी बोलेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें, 5 मिनट से ज्यादा न बोलें। मंच पर आसीन मेरे सभी वरिष्ठ दीदियां और सभी विभिन्न संगठनों से आई हमारी सभी बहनें और सभी का मैं स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी वैसे तो दीदी ने सब बता ही दिया है कि जो ये वेतन जो हमारा अभी मानदेय में विसंगति जो हुई उसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर। बहनों अभी ये समय है हमारा कि हमें एकजुट होकर लड़ना है, ये नहीं कि हमारी सहायिका के साथ कोई अन्याय हुआ तो कार्यकर्ता ना बोले, कार्यकर्ता के साथ हुआ तो सहायिका ना बोले। कई जगह ऐसे सुनने में आता है, ऐसा नहीं है, हम सब एक हैं। सबसे पहले तो कार्यकर्ता भी 3,000 रुपए से क्या खुश है? तो फिर सहायिका कैसे खुश हो सकती है अगर 1,500 मिल जाए तो? हमारी तो मूल मांग है, हमें नियमितीकरण चाहिए। हम जितना काम कर रहे हैं, सरकार जो भी योजना चलाती उसको सफल कौन बनाता है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका। फिर जब हमारे पोज बना देता हम लोग इतने बड़े कार्यक्रम को करते हैं।